आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। शिता, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? किसी कहने पे कर रहे हो आप ये सब? हाँ हाँ, ये भी झूठा है, मेरा पति भी झूठा है, दुनिया के सब लोग झूठे हैं ना, सिर्फ तुम ही हो सच्चाई की देवी। हम झूठ नहीं बोले मैडम, आपने ये भी कहा था अगर तू पकड़ जाए तो परम जी का नाम लेना। तुम पे इतना भरोसा किया था हमने, तुमने जो कुछ पीहू के लिए किया उसके बाद वी स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू और तुमने ये सिला दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। आप इस इंसान की बात क्यों सुन रहे हो? ये झूठ बोल रहा है। सारे झूठ बोल से तुम सच बोल रही हो? पता नहीं झूठ क्यों बोल रहे हो तुम। हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हो? हम झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोल रहे? रेखा भाई, ये सब इस इशिता ने किया है। ये गलत सलत इल्जाम लगा रही है परम जी पे। बता चुकी हूँ ना कि मेरी लाइफ में या किसी को पापा पानी ला, नीलू पानी ला, नीलू पानी लेकर आ। पापा कुछ नहीं हुआ, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी पापा कुछ नहीं होगा। तू दूर हटना मेरे पापा से। अरे तो पागल है, इनके पास क्यों आ रही होंगे? ये सब ड्रामे करने की ना तू छोड़ दे ये सब चीजें, समझी? प्लीज, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये सारी फसाद की जड़ तू ही है, ठीक है? तूने जाके भिड़ाया ना मनी को, जाके परम जी पे इल्जाम लगाया। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुझसे शांति नहीं देखी जाती इस घर की, इसलिए नए नए रोली लेके आ जाती है दिम्मा। पापा जी आप छोड़ो ये सब। चुप करो तुम लोग प्लीज। पापा कुछ नहीं हुआ है, सब डरने की कोई बात नहीं। मैं देख, रमन भैया कुरियर आया है, परम जी चुकी रही। मैं दे घर के पेपर्स हैं। तुम्हारे नाम से आए। घर के पेपर्स परम के नाम से आए, तब क्या कहना है तुम्हारा? तुम वो लोन शार्क नहीं हो? हदीब, छोड़ना मीका को यार, पागल हो गई हो। पर तू जो कर रहा है ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तू अपनी बीवी का साथ दे रहा है, यही सच्चा प्यार है, ट्रस्ट मी। पर चाचू, चिट्टी ने जो आलिया के साथ किया है ना, सही नहीं किया। अरे वो ऐसा बिहेव नहीं कर सकती आलिया के साथ। मैं जानता हूँ आलिया की गलती है, सब लोग उसी की वजह से परेशान है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फिक्र नहीं है। वो सबकी फिक्र करती है, सबकी परवाह करती है। हम लोग जेल में क्यों रहे? ताकि हम पता लगा सके कि लोन शार्क कौन है। चाचू, जो कुछ भी हो जाए मैं आलिया के साथ रहूंगा बस। Exactly. मुझे वही करना है, और तू आलिया का साथ देगा, उसका साथ छोड़ेगा भी नहीं।
पता नहीं इस मीका को क्या हो गया है, उसका दिमाग खराब हो चुका है। जब से वो सिमी दीदी की क्लोज आई है पागल सी हो गई, अजीब सा बिहेव कर रही है यार वो। कर क्यों रही है? मुझे भी नहीं पता, मेरे साथ तक कर रही है, सबके साथ कर रही है वो। ऊपर से वो परम, वो तो है ही नीच। पता नहीं क्या पढ़ के रखा हुआ है उसने सिमी दीदी के ऊपर, क्या पर्दा उसकी आंखों पर डाला है कि उसको दिखाई भी नहीं दे रहा क्या क्या करवा रहा है वो सिमी दीदी से। पागल हो गए दोनों पति पत्नी है। पर तू तू अपनी बीवी का साथ दे, तू जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हाँ डोंट वरी। परम क्या है सच्चाई इन पेपर्स की? आखिरी मौका दे रहा हूं, इसके बाद चाहेगा तो भी सफाई देने का मौका नहीं दूंगा। जो बोलना भी बोल ले। Explain this. क्या है ना रमन, की पूरी सच्चाई तुमको नहीं पता। यहाँ पर सबने देखा कि कुरियर मेरे नाम पर आया जिसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि ये पेपर्स यहाँ पर आए कैसे। क्या मतलब? ये पेपर्स मैंने मंगवाए रजिस्ट्रार ऑफिस से। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं मिनिस्टर साहब का पीए रह चुका हूँ, तो अपनी उसी पोजीशन का फायदा उठाकर मैंने इन पेपर्स के डुप्लीकेट बनवाए जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि पापा जी की इजाजत के बगैर ये प्रॉपर्टी कोई भी अपने नाम पर नहीं लिखवा सकता। तो गिरवी रखना तो दूर की बात है। एक्चुअली परम सही कह रहा है, जो कुछ अभी अभी कहा है वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसे ट्रस्ट अस। मनी ने कल जब लोन शाम को कॉल किया था तो परम ने वो कॉल आंसर किया था। परम वो कॉल कैसे आंसर कर सकता है? मनी टेल देम। हेलो, कौन सा फोन? क्या फोन? कौन सी बात कर रही हूँ? मैं पहले भी कह चुका हूँ, कल रात को मैंने लोन शाह को फोन किया था और वो कॉल परम ने आंसर किया था। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ इसकी आवाज़ ना पहचान पाऊँ। हाँ, वो कॉल मैंने रिसीव किया था। परम जी, क्या बोल रहे हो तुसे? चुप। एक्चुअली कल रात में घर के बाहर था एक पार्टी में, हमारे बिजनेस एसोसिएट की पार्टी थी। एक टेबल पे मैंने एक फोन बजता हुआ देखा तो मैंने सोचा कि फोन रिसीव करते हैं जिससे मालूम चलेगा कि ये फोन किसका है, इसलिए मैंने फोन उठाया, हेलो बोला, लेकिन सामने वाले ने फोन काट दिया। मुझे नहीं मालूम कि कॉल किसने किया था, मैंने फोन सिर्फ उठाया, वो फोन मेरा नहीं था। और उसके बाद आपने किसी और का फोन स्विच ऑफ कर दिया। तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो मेरे पति से? उन्हें तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मुझे जवाब चाहिए। तुम ये बात साबित कैसे करोगे? वो फोन अभी है तेरे पास? नहीं रमन, वो फोन मेरे पास नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो कि ये साबित कर सकता है जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। दुआ करो कि वो साबित कर दे, वरना फिर मौका दूंगा नहीं। मैं बुलाता हूँ सर। जो कुछ ने कहा है वो लिखा है यहाँ पर। He's lying. Trust me, he's lying. God knows अब क्या होगा? क्या होगा? अब कुछ नई कहानियां बनाएंगे, दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, हो सकता है मुझ पे। इशिता, तुम खुद इतनी चालाक हो, कोई तुम पर क्या इल्जाम लगाएगा? लेकिन मेरे पति के ऊपर ना इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचना, वरना जबान खींच सकती हूँ मैं इंसान की, समझे? सिमी तुम बस प्लीज।
विटनेस आ चुका है जो कल मेरे साथ पार्टी में था, और वो आपको बताएगा कि मैं सच बोल रहा हूं। मिस इशिता, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं था ना? अभी ये आपको बताएगी सच्चाई क्या है। रूही, परम अंकल जो भी बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं इन्हीं के साथ ही उस पार्टी में उस रात, और मैंने सब कुछ देखा। बातों में क्यों आ रही हो तुम झूठ क्यों कह रही हो? वो झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, चल चलो। अबे चल उधर, चल साहब जी, पकड़ के ले आए। ये मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ मिनिस्ट्री में काम करते थे। कल पार्टी से निकलते समय मैंने इनको बोला था कि वो इंसान जब अपना फोन लेने आए तो उसे पकड़ कर मेरे सामने लाना, क्योंकि जब मैंने इसके मैसेजेस पढ़े तो मुझे मालूम चला कि ये इंसान बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत सारे इलीगल काम करता है। बता अभी क्या सच्चाई है? हमारी कोई गलती नहीं है सर। तो मतलब तुम किसी के कहने पे कर रहे हो? बोलो वरना पुलिस को बुलाता हूं मैं। सर हमें छोड़ दीजिए, मैंने ये सब इशिता मैम के कहने पर किया था। What nonsense? ये क्या बकवास कर रहा है? ये कुछ भी बोल रहा है? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। आप झूठ क्यों बोल रही हैं मैडम? आपने तो कहा था सब करने को हमें। देखो मैम, मैडम ने हमारी मदद की थी और उसके बदले में कहा था कि आलिया को फंसाओ, उसे लोन दो। मिस इशिता, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? किसी कहने पे कर रहे हो आप ये सब? हाँ हाँ, ये भी झूठा है, मेरा पति भी झूठा है, दुनिया के सब लोग झूठे हैं ना, सिर्फ तुम ही हो सच्चाई की देवी। हम झूठ नहीं बोले मैडम, आपने ये भी कहा था अगर तू पकड़ा जाए तो परम जी का नाम लेना। तुम पे इतना भरोसा किया था हमने, तुमने जो कुछ पीहू के लिए किया उसके बाद वी स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू और तुमने ये सिला दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। आप इस इंसान की बात क्यों सुन रहे हो? ये झूठ बोल रहा है। सारे झूठ बोलते, तुम सच बोल रही हो? पता नहीं झूठ क्यों बोल रहे हो तुम। हाँ, झूठ बोल रहे हो? हम झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोल रहे? रेखा भाई, ये सब इस इशिता ने किया, ये गलत सलत इल्जाम लगा रही है परम जी पे। Thank you.
भाई, भाई। भाई। हॉस्पिटल जाना जरूरी है। तुम डॉक्टर को फोन किया हुआ है, डॉक्टर बाहर होगा। एक्चुअली एम्बुलेंस नीचे आ गई हुई है। सचिन क्या आधी जल्दी जा, जल्दी जा। Such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.